एक मिनट। हेलो अभिषेक, हम विभावरी बोल रही हूँ। हाँ दी, हाँ दीन बंधु बैंक से ना। जी बोलिए। अच्छा अन्ना वही है? नहीं, मुझे क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अभिषेक मेरी बात तो सुन। हाँ मैडम बोलो ना, सुन रहा हूँ मैं। क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं तो सुन क्यों रहा है तू? अन्ना वो मैं उनको मना कर रहा हूँ। अन्ना ला मुझे दे। नहीं, मैं मना कर रहा हूँ। नहीं, मैं करता हूँ ना मना। अन्ना देखिए आप मुझे बाद में फोन कीजिए ना प्लीज। वो बाद में फोन करेगी और बाद में मना करेगा तू? अभी करना मना। हाँ करता हूँ करता हूँ। आप जो बोल रही है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझे सब बोलिए ना प्लीज। अरे तो सुन क्यों रहा है? वो ना मुझे फीचर बता रही है। ये जो कार्ड है ना उस कार्ड पे सबको शॉपिंग फ्री है। सब बोल सही में प्रभाकर दादा को जी मैं बोल रहा हूँ ना। केशव दादा मैं बोल रहा हूँ। देखिए हेलो देखिए आप जो बोल रही है ना वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपका सीनियर होगा ना तो मैं उनसे बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मुझे क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अरे जोचना, इसको चाहिए ही नहीं। आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ। इनकार इनकार का डीवीडी लेके आओ, अन्ना को इनकार फिल्म देखना है। इनकार करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है इसे? दे मला, मला दे, मला दे। अभिषेक सुन, दुकान की 100वीं जयंती पे पूजा बीजा तो होगी ना घर पे माँ कसम, तो विभावरी को मुझे लेकर पूजा में आना ऐसा बोल देना। लाइए मुझे दीजिए फोन, मैं बात करूं। बाय सर, बाय सर, मैडम का ध्यान रखना, बाय। पहला ऐसा आदमी है जो क्रेडिट कार्ड वाले को भी बाय और मैडम का ध्यान रखने के लिए बोलता है। पूरा मुद्दा ही भटका दिया इसने। अच्छा सुनो, एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि ये दुकान की 100वीं जयंती के उपलक्ष में जो भी हम पूजा प्रसाद ये सब प्लानिंग विनिंग कर रहे हैं, उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारी बहन विभावरी और उसका वो नालायक पति जयंत इस घर में दिखने नहीं चाहिए। समझ गए तुम लोग? बोलो। हाँ बोलो। हाँ चलो चलो खेलते हैं उजोला बिजोला। चलो चलो बॉल फेंको। मैं फेंकता हूँ, मैं फेंकता हूँ। हाँ फेंक फेंक बड़ा फेंक दिया बॉल। भाई 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 देखो इसे देखो, पिंजरे का शेर इधर से उधर इधर से उधर। मंदार तू क्या सोच रहा है? फोन निर्मिति का की फोन। अभिषेक काका को क्रेडिट कार्ड वालों का फोन नहीं आया था। तो जा जाके छानबीन कर ले जग्गा जासूस। एक मिनट वही नहीं, छानबीन का इशारा ये कैसे हुआ? ये सिर्फ बीन का इशारा था निर्मिति। भाई 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 ये तो चला गया निर्मिति। भारती काकी अच्छा हुआ कि वो चले गए, क्योंकि हमारी डिटेक्टिव उज्ज्वला ने अंदाजा लगा लिया कि फोन किसका होगा। अच्छा बता मुझे क्या अंदाजा लगाया है तूने? अंदाजा मैंने लगाया और बताऊ भी मैं, सब कुछ मैं ही करूं। अच्छा मत बता, चला वही नहीं चला। सुचिता अच्छा ठीक है ठीक है, चलो बता ही देती हूँ। आ जाओ आ जाओ। पर बदले में थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। नालायक अपना होमवर्क किसी और से करवाएगी? हाँ तो आप अपनी सब्जी सुचिता दीदी से नहीं बनवा रही है? हाँ करेक्ट करेक्ट। कॉमन सेंस काकी, कॉमन सेंस। वो फोन विभावरी बुआ का था।
है ना लॉजिकल? बोलो हाँ हाँ। गायत्री गायत्री, क्या हुआ मम्मी? मैं जा रही हूँ घर छोड़कर राजकोट। मम्मी ये राजकोट है? और गायत्री सोफा को धक्का मार के इसको पहुंचा दे राजकोट। नहीं मुझे रहना ही नहीं है इस धोखेबाज फरेबी और लफड़ेबाज आदमी के साथ। उर्मिला अब तू राय का पहाड़ बना रही है। एक मिनट मम्मी क्या किया है पापा ने? इतने समय से आदमी मुझे धोखा देते आ रहा है गायत्री, और पता नहीं कितने साल इसकी लफड़ेबाजी चलती। अगर आज मैंने रंगे हाथों पकड़ा नहीं होता तो ये बिस्किट को मैंने गवाह बना के रखा है। बिस्किट बोल दे तो। देखा बोला? अरे कहाँ बोला? बोला तो सही। अरे नहीं बोला मानो चमचो। पापा आपने? बेटा मैं एक इंसान हूँ, गलती हो गई, लेकिन इतने साल से नहीं, सिर्फ एक बार हुई है। झूठ मत बोलो महेंद्र, भगवान से डरो। एक बार कुछ नहीं है, शादी हुई ना जिस दिन, उस दिन से आदमी मुझे धोखा दे रहा है। हर बार मुझे किसी ना किसी बहाने से, किसी काम से कहीं भेज देता है ताकि पीछे से गुल खिला सके। कहाँ भेजते रहे? आज मुझे किचन में भेज दिया। बोला उर्मिला मेरे लिए एक कप गरम गरम चाय बना के लाना। मैं चाय बना के वापस आई तब मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है चीटिंग करते हुए चेस में। हाँ तो परसों कैरम में भी की थी पता है, ऐसे हाथ से डालकर निकाली कुकरी। बोल और टेबल टेनिस का बताऊं मैं? बोलू मुझसे तो बोला भी नहीं जाएगा। इतनी पर्सनल बात बताना जरूरी था? सिर्फ खेल में धोखा देता था ऐसा बोल के चुप नहीं बैठ सकती थी तू, जबकि मैंने कन्फेस किया कि मैं चीटिंग करता हूँ गेम में। एक नंबर के नमूने हैं आप दोनों। अच्छा जब मैं शादी करके चली जाऊंगी तब क्या होगा आप दोनों का? होना क्या है, घर जवाई तो ला। मतलब बेटा ऐसा ही लड़का ढूंढेंगे जो घर के आसपास रहता हो, ऐसे ही एक आध घंटे की दूरी पे। आधे घंटे की? हाँ आधे घंटे की दूरी पे। दस मिनट की दूरी पे। दो मिनट। अब यहाँ खुदवा के हैंडपंप लगवा दूं ताकि तू हैंडपंप चलाए और जमीन से धड़ाधड़ लड़के निकले, या फिर बाजू वाले मराठी फैमिली से बात करो। हाँ ये आइडिया अच्छा है, वो अभिषेक बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन उर्मिला सिर्फ लड़के के अच्छे होने से क्या होगा, उसकी फैमिली देखी है? अगर भाई गायत्री से प्यार हो गया? मैंने बोला था ना। अरे नहीं हुआ मुझे किसी से प्यार, डरा देती है आप। हाँ तो मुझे पता है इसको किससे प्यार हुआ है, इसके सपनों की रानी है वो। तू जानता है ना कौन है? एक काम कर, ड्राइंग करके बता। जा बता बात क्या है। मुझे जो फोन आया था ना वो क्रेडिट कार्ड वाली का नहीं था, तो विभावरी दीदी का था। अपनी दुकान की 100वें साल की सेलिब्रेशन में वो जीजाजी के साथ आना चाहती है। अग भाई आप एम्बुलेंस बुलवा लो। वहीनी अन्ना को कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने दामाद जी को मार डाला और उन्हें जेल हो गई तो। बरोबर है, मैं एडवांस में जमानत करवा लेता हूँ। एक मिनट केशव, जमानत तुम बाद में करवाना, पहले मुझे ये जानना है कि जेल का इशारा ये कैसे हुआ? बालों में जेल तो लगाते ना। अरे वो बाल हिल डुल कर बिखर ना जाए इसलिए। वहीनी वो जेल नहीं, जेल होता है जेल। अब क्या फालतू की बातें कर रहे हो? अपने यहाँ प्रॉब्लम ही यही है कि मुद्दे पे आओ उससे पहले ही सब लोग भटक जाते। आओ ना मुद्दे पे आओ प्लीज। बोल। विभावरी दीदी बोल रही थी अन्ना को मनाने के लिए। वो मानेंगे? इम्पॉसिबल। Thank you.
आसमान में उड़ते उड़ते पंछी ने कहा, मैं पुणे जा रहा हूँ। तो नीचे एक भालू जा रहा था, उसने पूछा, पुणे में किधर? तो पंछी ने कहा, गोखले बंदू की बाकरवड़ी खाने, वो अप्रतिम होती है, अप्रतिम होती है। हसी हसी विभावरी हसी, अभी मेरा दिन प्रसन्न प्रसन्न जाएगा। अन्ना, आप विभावरी को ही ज्यादा लाड प्यार क्यों देते हो? अरे अमोल बड़ा है वो, क्योंकि वो बेटी है इस घर की। और बेटी को बोझ नहीं मानते अन्ना, समझा प्रभाकर दादा? प्रभाकर ऐसा नहीं बोलते। हाँ बाड़ा, अरे बेटी तो लक्ष्मी होती है, सरस्वती अन्नपूर्णा होती है घर की, है ना? एक मिनट केशव, जब मैं 12वीं में था तभी मैंने एक लिखा था, बेटी है तो सृष्टि है, पत्नी बहिन जनेता, जिस घर ना हो बेटी वो घर सुना सुना रहता। तू आई थी तो रौनक लेके आई थी इस घर में, और तू भाग गई तो रौनक भी लेके भागी। मेरे दिल की धड़कन थी रे, धड़कन ही दिल तोड़ के भाग गई। एक पल में बहुत बुरा बना दिया तूने मुझे। अब हम क्या करेंगे देवा? दादा बगा, अभिषेक के सपनों की रानी की पेंटिंग बन गई। अब बाड़ा, अभी नहीं, बाद में। तू बनाने को क्यों बोला फिर? देखो अभी देखो। अरे बन गया ना स्केच। हाँ तो जा उसे ढूंढ के ला, अगर मिले तो। जा। मिलेगी क्यों नहीं, मैंने देखा है उसको, तभी तो उसकी पेंटिंग बनाई। मैं जानता हूँ अभिषेक के सपनों की रानी कौन है ना, तो जा उसे लेके आ। जा। अच्छा अभी हम क्या करें बताइए? कुछ नहीं कर सकते, उसको मना करना पड़ेगा। तू एक काम कर, फोन कर और उसको बोल दे मत आना। कहीं वो आ गई तो फालतू में बखेड़ा होगा, फंक्शन बिगड़ेगा, अन्ना का दिल तड़पेगा और विभावरी भी रोएगी। बरोबर। अरे तू खड़ा क्या है, फोन करना फटाफट। हाँ लगाता हूँ। वैसे मेरे भारती के भाई का पीसी हो। ओ दादा बाद में बोलता हूँ। चल चल, अभिषेक का फोन है। हाँ, तो उठा ना, फिकर में। हेलो, अन्ना से बात हुई क्या? हाँ कहा ना अन्ना ने। विभावरी दी उन्होंने। हाँ हाँ बोलो बोलो अभिषेक। हेलो अभिषेक। हाँ क्या अन्ना ने? हाँ कहा, देखो जैन, अन्ना ने हाँ कहा। I knew it। हेलो हेलो, कट कर दिया। खाया था। ए अभिषेक, भगवई, ये कौन है? अमोल भाऊजी। अरे यही तो है अभिषेक के सपनों की रानी मंगला। अपनी गली में चाय और भजिया पाव बेचती है मालूम? चल अभिषेक, फटाफट शादी कर ले चल। अरे अमोल बड़ा, किसने बोला इनको इधर लाने को? प्रभाकर दादा ने तो बोला। मुझे क्या मालूम था ये सच में लेके आएगा, उसने ड्राइंग बनाई और मैं। तो इसी की पेंटिंग बनाई है, ये देखो है ना, सेम टू सेम। भाऊजी आप जाइए और इन्हें छोड़कर आइए। हाँ लेकिन हमारी शादी का क्या? शुभ मुहूर्त निकलवा कर बताते हैं। आप क्या बोल रही है शुभ मुहूर्त, जाते जाते भी मुस्कुराते चली गई वो। अभी हम क्या करेंगे अभिषेक? मैं नहीं करूंगा इससे शादी।
अभिषेक वहिनी विभावरी के बारे में बोल रही है कि उसको लेकर क्या करेंगे। अब वो तो मन ही मन में ये समझ बैठी है ना कि यहाँ आने के लिए हाँ है। तू एक काम कर, तू फोन लगा। नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? क्या? ठीक से करो उज्वला बिज्वला, मज्जा करो। केशव प्रभाकर, क्या व्यायाम के समय ना इशारे ना बातें? अन्ना मुझे आपसे कुछ कहना है। बोल ना बड़ा, तू बोल। क्यों ना हम हमारी दुकान की 100वीं जयंती पे पूना शहर के सारे ग्राहक और चाहकों को न्योता दे और प्रसाद के तौर पर 50 ग्राम बाकरवड़ी के पैकेट दे। वाह, देखा, इसीलिए मैं इसे मेरा राम कहता हूँ। अप्रतिम सोच बड़ा। लेकिन अन्ना पूरा पूना शहर चलकर आ गया तो? नहीं नहीं, बैड आइडिया। मैं भी यही सोच रहा था। अन्ना अच्छी बात है ना, पूरा पुणे शहर आया तो हमारा ही सम्मान बढ़ेगा ना। ये विचार तुम लोग को क्यों नहीं आता प्रभाकर? लेकिन अन्ना बाकरवड़ी खत्म हो गई तो कुछ लोगों को खाली हाथ भेजेंगे? सुना प्रभाकर, हमेशा तेरा बेटा हमेशा सही बोलता है। लेकिन अन्ना गुड़ चना या खड़ी शक्कर भी तो दे सकते है ना, जिनको बाकरवड़ी नहीं मिले उनको। हाँ, और नहीं तो क्या? मंदार, हमारी पूजा में से कोई खाली हाथ क्यों जाएगा बाड़ा? लेकिन अन्ना भीड़ भाड़ में भगदड़ मच गई तो कुछ लोगों को चोट वोट लग गई तो? शुभ अवसर अशुभ हो जाएगा। निर्मिति, त्योहार के दिन हजार हजार लोग आते हैं हमारी दुकान पे, कभी भगदड़ मची है? कभी नहीं। अन्ना आपका सख्त चेहरा देख के शिस्त अपने आप आ जाती है सब में। वो तो है। लेकिन अन्ना कसल मजे मजे बोलतो चोमड्या। ए भारती, बराबर अन्ना बुलाते ना हमारे ग्राहक और चाहकों को, उन्हें भी अच्छा लगेगा। बुलाते हैं। अरे न्योता छपवाने के लिए दो पंक्तियाँ मैं स्वतः लिख के देता हूँ। वो तो मैंने लिखी हुई है अन्ना, अभी लेके आता हूँ। आप शांत रहिए। मैं शांति हूँ। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं शांत हूँ। प्रभाकर को बोलो शांत रहने के लिए, हजार बार वो ही गाना सुनाता है, अभी लेके आएगा डायरी और सुनाएगा। आपको पता है क्या लिखा है? समंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक। दाल खा। सुनिए, समंदर खारा होता है क्योंकि होता है उसमें नमक। वाह, दाल खारी होती है क्योंकि होता है उसमें नमक। तो दाल समंदर एक हुए, हाथी बंदर एक हुए। अप्रतिम, वाहियतपन और बकवासपन में तेरा ये गाना अप्रतिम है। 400 साल पुराना गाना अप्रतिम। लेकिन भारती की कजिन कल्पना ने तो ये गाना सुन के ऐसे ऐसे किया था। हाँ, वो तुझे जहर से भरा हुआ डार्ट मारने के लिए ऐसे ऐसे किया होगा। एक ही गाना हर बार सुनाता है बेड़ा। अन्ना, इस गाने में बहुत गहराई है। हाँ तो उसी गहराई में तुझे डुबा के मारूंगा मैं। आहो। अरे क्या आहो? चलो माना कि इसका गाना अप्रतिम है, लेकिन हमारी दुकान को 100 साल पूरे हो रहे है, ये कैसे पता चलेगा घोड़ा समंदर से हाथी बंदर से? तुम्हें नीचे लिख दूंगा ना कि हमारी दुकान को 100 साल भी पूरे हो रहे हैं। पत्थर है क्या? पत्थर? अरे तो लिखने वाला तो जरूरत क्या है हाथी बंदर लिखने के बेड़ा? वो इसलिए अन्ना। और नहीं तो क्या प्रभाकर दादा? अरे अन्ना अपनी सोच से मस्त वाली दो पंक्तियां लिख के देंगे ना, जो हम सब में बांट देंगे। अरे अभी लिख के देता हूँ, अभी बोलता हूँ। देखो, सारी हस्ती को न्योता है, छोटी हो या बड़ी, पूजा के प्रसाद में खाना हमारी बाकरवड़ी। वाह वाह वाह, अन्ना वाह,
आप महान हो। है के नहीं? बोलो हाँ। हाँ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.